हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसे अपन 3.2 के एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए हैं, अभी क्या करेंगे, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं आज। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन कर रहे हैं, कौन सा मेथड कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। देखो भाई, दिस वन क्या बताया था मैंने, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या लेनी है अपन को, फाइंड आउट करनी है, दूसरे वेरिएबल के दूसरी इक्वेशन में वहां पे वो पुट करनी है। जैसे मेरे पास इक्वेशन, दो इक्वेशन, तो उनको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हो चुकी है अपने पास। अभी करना क्या, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल फाइंड आउट करो। गॉट इट? जैसे मैं इक्वेशन टू की बात करता हूँ, क्योंकि इजी रहेगा। देखो जो इजी रहता है ना कैलकुलेशन, उसमें से लिया करो। जैसे इसमें माइनस वाई है, वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाना है, इसलिए मैं फ्रॉम इक्वेशन टू से लूंगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, जब मैं इक्वेशन टू की बात करता हूं, तो क्या आना मेरे पास, x इज इक्वल टू 4, ये माइनस वाई दिस साइड, दैट साइड विल बी प्लस वाई। तो ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई, दिस वन इज द इक्वेशन थर्ड। अब मुझे सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से लेना देना है, सेकेंड से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज माई वैल्यू ऑफ एक्स आई विल सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन वन। ओके ना, वैल्यू ऑफ किसकी, एक्स की, किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन वन में लिख दो। नाउ नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन। जब मैं इक्वेशन वन में एक्स की वैल्यू पुट करता हूं, देखिए अपने पास इक्वेशन वन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, सो 4 प्लस वाई आई सब्सटीट्यूट एट द प्लेस ऑफ x, प्लस प्लस एज इट इज, y इज देयर, सो y एंड दैट इज इक्वल टू 14। अब देखिए 4 एज इट इज प्लस, ब्रेकेट हटाओ, y प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 14। 4, अभी 4 इस साइड में लेके आ जाओ, इक्वल के उस साइड में, तो वाई प्लस वाई कितना होगा, टू वाई, 14 दिस वन, दिस साइड प्लस 4, दैट साइड विल बी माइनस 4, तो टू वाई इज इक्वल टू, सेम साइन डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, अगर डिफरेंट साइन से सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन, सो व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ 14 एंड 4, 10। अगर इनका सब्ट्रैक्शन 10 है, अब अपन को देखना साइन, साइन कौन सा आना, अरे साइन कौन सा आना रहे, अरे ग्रेटर नंबर का साइन लेंगे, तो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन, 14, 14 का साइन कैसा, प्लस, सो दैट विल बी द प्लस 10। अब मुझे वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करनी है, तो वाई इज इक्वल टू 2 इन मल्टीप्लीकेशन दिस साइड, दैट साइड विल बी इन डिनोमिनेटर और इन डिविजन। अब मैं 2 को 2 और 10 से कट कर सकते हैं, कैसे, 2 5 जार 10, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास वैल्यू ऑफ वाई आ गई है, और वैल्यू ऑफ वाई क्या है अपने पास, वाई इज इक्वल टू 5। अगर मेरे पास वैल्यू ऑफ वाई 5 आ चुकी है, अब क्या करेंगे, नाउ अपने पास इक्वेशन वन से, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, एक्स भी चाहिए ना, तो देखो अपने पास तीन इक्वेशन है, 1 2 3, तीनों में से किसी में भी ये वैल्यू ऑफ वाई पुट करो, आपके एक्स की वैल्यू आ जानी है। सबसे इजी कौन सा, इक्वेशन थर्ड में, ना इधर उधर कुछ चेंज करना है, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू ऑफ y, सो x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना, y प्लस 4, 4 प्लस y। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड दैट इज व्हाट, x इज इक्वल टू y प्लस 4, y कितना, 5 प्लस 4, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाए भाई, सेम साइन एडिशन, व्हाट इज द एडिशन ऑफ 4 प्लस 5, 9, 9, 9, 9, 9, साइन कैसा आना, सेम साइन आना, तो अपने पास वैल्यूज आ गई। अरे मेरे देश के भविष्य देखो जरा क्या कर रहे हो तुम लोग। सबसे पहले क्या करना था, मेथड कौन सा अप्लाई करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, सॉरी एक्स प्लस वाई 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, तो मैंने इक्वेशन सेकंड चूज की, यहां से मैंने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट की, और दैट इज व्हाट, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। यहां से ये वैल्यू आते ही, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन
वन। अपने पास इक्वेशन वन ये रही, इसमें मैंने वैल्यू ऑफ एक्स पुट कर दी और जैसे जैसे कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करते करते मेरे पास वैल्यू ऑफ वाई आ चुकी है। अब मेरे पास वैल्यू ऑफ वाई आ गई है तो मैं किस में पुट करूंगा, एक्स फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन थर्ड। वैसे अपन पुट कर सकते हैं वन टू थर्ड तीनों में से, लेकिन सबसे इजी कौन सा रे, सबसे इजी थर्ड। इसमें पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो, जो भी करना करो यार। अरे किसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए अपन को किसकी, एक्स की और वाई की। तो अपना इक्वेशन यहीं पे खत्म, खत्म कहानी डिस्कशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस माइनस टी इज इक्वल टू थ्री, एस अपॉन थ्री प्लस टी अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स। सेम फंडा अप्लाई करना है, फर्स्ट को मैं क्या दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड वन को सेकंड। उसी मेथड से करना है, उसी मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब कौन सी इक्वेशन की बात करें, देखो मुझे सबसे इजी दिख रही है कौन सी, फर्स्ट वन। अरे इसमें फ्रैक्शन कौन उलझेगा यार, डिवीजन में जाना, मल्टीप्लिकेशन में जाना, फिर से आपको फ्रैक्शन में वेरिएबल पुट करना, दैट वो ही करता है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, ये गिवन में आ गया, फ्रॉम इक्वेशन वन। जब मैं फ्रॉम इक्वेशन वन की बात करता हूं तो देखो एस माइनस टी इज इक्वल टू कितना है, थ्री। तो यहां से एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो चाहे टी की। जब मैं एस की फाइंड आउट करूंगा तो थ्री प्लस टी हो जाना है, माइनस थ्री माइनस टी इस साइड में है, उस साइड में क्या हो जाना है, प्लस टी। तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाना है यहाँ पे, एस इज इक्वल टू थ्री प्लस टी। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो तो अपने पास देखो इक्वेशन तीन आ गए, वन टू एंड थ्री। सेम फंडा है जो फर्स्ट इक्वेशन किया, सेम फंडा है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा, अरे इक्वेशन वन से कुछ लेना देना नहीं है, अभी कौन से लेना देना है, इक्वेशन टू से। नाउ इक्वेशन टू में क्या पुट करूंगा मैं, वैल्यू ऑफ एस। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू, या फिर क्या लिखेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन टू। जब मैं इक्वेशन टू में किसकी वैल्यू पुट करूंगा, एस की, तो देखो क्या आ जाना है यहां से। सो एस इज इक्वल टू क्या है, थ्री प्लस टी, सेकेंड में पुट कीजिए, सेकेंड अपने पास इस तरीके से है, तो एस प्लस थ्री मतलब टी प्लस थ्री या थ्री प्लस टी अपॉन कितना, थ्री है, थ्री प्लस प्लस टी अपॉन टू, टी अपॉन टू और दैट इज इक्वल टू सिक्स। अरे रे फ्रैक्शन आ गए, अरे फ्रैक्शन आ गए भाई, फ्रैक्शन किसको सोल्व करने आते हैं, सबसे इजी मेथड है भाई, सबसे इजी मेथड। क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, देखो वो तो है एलसीएम वाला, लेकिन सबसे इजी शॉर्टकट, सबसे पहले डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, ये अपने पास फ्रैक्शन में आ गया, एडिशन है क्या सब्ट्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, सो थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू मैंने लिख दिया भाई। नेक्स्ट क्या करें, क्रॉस करेंगे न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, तो पहला न्यूमरेटर ये थ्री प्लस टी है, क्रॉस 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 किसके डिनोमिनेटर से, टू से, प्लस साइन है, प्लस साइन आ जाना टी इंटू थ्री एज इट इज। सो थ्री प्लस टी, थ्री प्लस टी किससे मल्टीप्लाई होना है, किससे मल्टीप्लाई होना है, टू से, टू से मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस साइन है, प्लस एज इट इज पुट किया। नेक्स्ट क्या है, टी एज इट इज, टी 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 मल्टीप्लाई किससे करना है, थ्री से, ये मैंने थ्री से मल्टीप्लाई किया, थ्री से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इज इक्वल टू कितना है अपने पास, सिक्स है, ये मैंने सिक्स रखा। अभी सोल्व करो जरा, तो टू को मैं इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज व्हाट, थ्री प्लस टी। तो पहले किससे मल्टीप्लाई होना, थ्री से, फिर प्लस साइन आना, फिर टी से मल्टीप्लाई करते। नाउ टू इंटू थ्री, ओके, प्लस साइन, प्लस टू इंटू टी, टू टी, ओके, इसका काम खत्म, इस पूरे ब्रैकेट का काम खत्म। अब प्लस साइन है, प्लस साइन है, टी इंटू थ्री, थ्री टी अपॉन 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 थ्री टू जार सिक्स और इज इक्वल टू कितना आ रहा है, सिक्स। यहां तक किसी को डाउट है भाई, किसी को नहीं है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो थ्री इंटू टू सिक्स, सोल्व करो अभी, थ्री इंटू टू सिक्स प्लस टू टी प्लस थ्री टी अपॉन सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, ओके। सिक्स प्लस थ्री टी, टू टी प्लस थ्री टी,
अपॉन सिक्स इज इक्वल टू सिक्स। चलो भाई नेक्स्ट ध्यान से देख लियो, दोबारा आऊंगा मैं यहां पे। तो अपने पास क्या था वो, सिक्स प्लस टू टी प्लस थ्री टी अपॉन सिक्स इज इक्वल टू सिक्स था। अभी अपन क्या करेंगे, अरे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्स सिक्स जार थर्टी सिक्स। देखो हाँ भाई कुछ के ना ऐसे खुजली होती है, मैं सिक्स से सिक्स कैंसिल कर देता हूं। अरे कैसे कैंसिल होगा भाई, अपने बाप की जायदाद अभी कुछ भी करोगे तुम लोग, हैं कुछ भी कट करोगे कुछ भी उगाओगे, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। क्या करना है, अरे सिक्स इंटू सिक्स करना है, यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और वहीं पे फेंक देना है। चलो भाई तेरा काम खत्म। तो यहां पे क्या बचना है, सिक्स, अरे प्लस साइन है, टू टी प्लस थ्री टी फाइव टी, टू टी प्लस थ्री टी फाइव टी इज इक्वल टू सिक्स इंटू सिक्स, सिक्स प्लस फाइव टी इज इक्वल टू सिक्स सिक्स जार थर्टी सिक्स। ये सिक्स प्लस का इस साइड में माइनस का हो जाना, सो फाइव टी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस सिक्स। तो अपने पास क्या है, फाइव टी इज इक्वल टू थर्टी, टी इज इक्वल कितना आना थर्टी अपॉन, ये फाइव मल्टीप्लाई में था इस साइड में डिवीजन में, तो टी इज इक्वल टू कितना हुआ फाइव सिक्स जार थर्टी। ये अपने पास सिक्स आ गया, किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू। क्या अपना क्वेश्चन खत्म हो चुका, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अभी तो एक ही आना है, सेकंड और बचा हुआ, सेकंड क्या रहे, फर्स्ट पे चलो इक्वेशन फर्स्ट, एस इज इक्वल एस माइनस टी इज इक्वल टू थ्री। तो यहां से मैंने थर्ड फाइंड आउट की, एस इज इक्वल टू थ्री प्लस टी। मैं टी की वैल्यू अगर इसमें पुट करता हूं तो मेरे पास एस की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ऑफकोर्स आएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या होगा, एस इज इक्वल टू क्या है थ्री प्लस टी, और टी की वैल्यू कितनी है थ्री प्लस टी, एस इज इक्वल टू थ्री प्लस टी की वैल्यू कितनी है सिक्स है, अभी फाइंड आउट किया। तो एस इज इक्वल टू कितना आना थ्री प्लस सिक्स इज नाइन। तो अपने पास वैल्यू ऑफ टी भी आ गया और वैल्यू ऑफ एस भी आ गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए भाई अपन ने क्या क्या किया है, देखिए सबसे पहले अपने वो इक्वेशंस दी थी इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो दोनों इक्वेशंस को मैंने नेमिंग दे दी। उसके बाद में मैंने किसी एक इक्वेशन को इजी देखा अपने अकॉर्डिंग, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। वहां से फिर मैंने क्या फाइंड आउट की, एस माइनस टी इज इक्वल टू थ्री, तो वहां से मैंने एस की वैल्यू फाइंड आउट की, एस इज इक्वल टू थ्री प्लस टी। अब ये जो है एस सब्स्टिट्यूट किया मैंने किसके अंदर, इक्वेशन टू के अंदर, क्योंकि जिससे फाइंड आउट किया उससे में थोड़ी पुट करोगे, तो मैंने टू में पुट किया। तो टू में मैंने पुट किया एस की जगह थ्री प्लस टी, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया थ्री प्लस टी अपॉन थ्री। प्लस साइन टी अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स, थ्री प्लस टी फ्रैक्शन आ गए। और फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, देखो पहले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर क्या, थ्री प्लस टी को मल्टीप्लाई किया मैंने टू से, प्लस साइन टी को मल्टीप्लाई किया मैंने थ्री से, तो टी इंटू थ्री अपॉन थ्री इंटू टू जो मैंने पहले लिखा था, और इजिकल टू कितना सिक्स है, इजिकल टू सिक्स मैंने एंटिटीज रखा। अब देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये टू है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है, तो पहले थ्री से फिर टी से, तो टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री एज इट इज, फिर प्लस साइन है प्लस साइन है, इन प्लस साइन के बाद में टी इंटू टू, टी इंटू टू मतलब टू टी, यहाँ पे प्लस है टी इंटू थ्री थ्री टी अपॉन कितना सिक्स है, इज इक्वल टू कितना सिक्स। अब मैंने यहाँ पे देखो टू थ्री जार सिक्स एज इट इज मैंने पुट किया, प्लस साइन है टू टी है प्लस थ्री टी है प्लस थ्री टी है अपॉन कितना सिक्स। अब मैंने इस सिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, देखो नेक्स्ट स्टेप, तो वही मैंने यहीं पे लिख दिया एज इट इज। फिर मैंने क्या किया, सिक्स प्लस टू टी प्लस थ्री टी अपॉन सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स को उधर लेके गया तो मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि इक्वल के एक साइड में अगर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में डिवाइड में होना है, अगर इक्वल के एक साइड में डिवाइड में है तो दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में होना। तो ऐसा करते हुए अपन ने ये सोल्व किया, फिर करते 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 टी की वैल्यू पुट की, और टी की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट की, इन इक्वेशन थर्ड, और जैसे ही अपनी इक्वेशन थर्ड में पुट की तो अपने पास वैल्यू ऑफ एस भी आ गया। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन जो है
वो चल रहा है, मेथड चल रहा है। दो क्वेश्चन अपन ने खत्म कर चुके हैं। अच्छा एक चीज और बता दे रहा हूँ भाई, अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबसे पहले वो ही चैप्टर लेंगे जिन चैप्टर्स में से तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है, मतलब डिफिकल्टी आ रही है, कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे रही, ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो डालता रहूँ। ओके, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी में अपनी नहीं बनती भाई, बायोलॉजी से नहीं हो पाता यार, समझा करो। ठीक है, रही बात दूसरी, देखो कुछ लोगों के ऐसा रहता है, अभी देखो टाइम बहुत कम रह गया, अक्टूबर स्टार्ट होने वाला, सितंबर खत्म हो चुका है, गॉट इट ना? तो इस तरीके से प्लीज अभी पढ़ना स्टार्ट करो। दिवाली आएगी, दिवाली में थोड़े दो तीन, उसमें दो चार दिन खराब हो जाएंगे तुम्हारे, फिर उसके बाद में बहुत कम टाइम बचेगा, प्लीज ऐसा मत करो। अभी बहुत कम टाइम बचा है उन बच्चों के लिए जिनको ये है कि मेरे आउट ऑफ आउट मार्क्स आने चाहिए हर सब्जेक्ट में, कि मैं 99, 95, 100 के आसपास पहुंच जाऊं, 100, अरे परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कुछ क्वेरी हो तो वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं आपको एक टाइम टेबल सेट करके दूंगा और अपने हिसाब से मैं करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, थोड़ा टाइम जाने के बाद। आपको अभी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आई विल अपलोड ए वीडियो रिलेटेड टू दैट ऑल्सो। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कुछ भी लोचा नहीं करना है इसमें, एज इट इज करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के जैसे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए। ओके, कुछ नहीं है, हिंट बता दे रहा हूं। देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 2 मान लेना, गॉट इट? फिर क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन लो, मैंने फर्स्ट ली, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो मेरे पास, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, चाहे x ले लो चाहे y ले लो, x लोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, y लोगे तो डायरेक्ट आ जाना है। तो मैंने क्या लिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये प्लस 3x है, उस साइड में गया तो माइनस 3x, अभी तक सही है। अब देखो मैंने ये माइनस हटा देना, तो माइनस कैसे हटाएंगे भाई, पूरी इक्वेशन को किससे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ ये देखो मैं मेरे अकॉर्डिंग कर रहा हूं, नाउ मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय माइनस 1, जैसे मैं इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, माइनस वाई इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3x इंटू माइनस 1। तो देखो मैं बार बार में इसको अच्छे से अगर बताऊंगा तो टाइम जाएगा ज्यादा, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट कर देता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी इक्वेशन को तो उसके हर एक टर्म के क्या हो जाने, साइन चेंज हो जाने, बस इसका यही मीनिंग होता है। तो मैं क्या पुट करूंगा देखो यहाँ पे, चलो बताया जाते हैं इस क्वेश्चन को। सो माइनस वाई इंटू माइनस 1, माइनस वाई इंटू माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन के केस में, वीडियो देखो फर्स्ट मेरा, उसमें बताया मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, साइन का जो फंडा हुआ मैंने खत्म कर दिया था वहां पे, सेम साइन है मल्टीप्लीकेशन के केस में, सेम साइन होने पे पॉजिटिव आना है और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सो वाई इंटू 1 वाई माइनस माइनस प्लस हो जाना इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 3x इंटू माइनस 1, मैंने इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1 ब्रेकेट से, तो यहां पे मेरे पास y इक्वल कितना है 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, है कि नहीं है? अब देखो इसका भी सेम माइनस है, इसका भी साइन कैसा है, माइनस है, सेम साइन है क्या आना है, प्लस आना है, डिफरेंट साइन है क्या आना है, माइनस आना। देखो यहाँ पे डिफरेंट था, 3 का प्लस था और 1 का माइनस था, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, सेम साइन होने पे हमेशा पॉजिटिव आता है, किस केस में, मल्टीप्लीकेशन में, तो 3x इंटू 1 3x, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो 3x माइनस 3 होगा, ये इक्वेशन मेरे पास 3 आ गई। देखो मैं यहां से भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता था डायरेक्टली, लेकिन वो x की वैल्यू कैसी आती, फ्रैक्शन में आती, तो मैं क्या समझता हूँ अगर फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू आती है तो वो क्या होते, थोड़ी डिफिकल्ट होती सॉल्व करने के लिए, राइट ना, मुझे करना हो तो मैं कर देता, तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहे तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जितना इजी हो सकता उतना ही इजी बना के तुम्हें क्या करेंगे, अपलोड करके देंगे वीडियोज। देखो भाई तो अपने पास वैल्यू ऑफ वाई आ चुकी है, अब देखो मैं इसको कर ही दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना, मैंने कहा था तुम लोग करो लेकिन मैं करता हूँ अभी। अब मेरे पास वैल्यू वाई आ गई है, अब मैं किस में पुट करूंगा, वन और वन में तो नहीं कर सकते क्योंकि वन से मैंने ये फाइंड आउट किया, किससे करेंगे, टू
टू से क्या करूंगा मैं, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई इन कौन सी इक्वेशन, मैंने टू में, वन में नहीं कर सकते क्योंकि वन से तो मैंने वाई निकाला ही है और उसी में पुट कर दो तो क्या आ जाना है इक्वल, अरे थ्री इज इक्वल टू थ्री हो जाना, फिर वन इज इक्वल टू वन क्या उखाड़ोगे, फिर नहीं होने वाला क्वेश्चन सोल्व। देखो फिर तो मैंने देश के भविष्य इक्वेशन टू में वाई की वैल्यू मैं सब्सिट्यूट करूंगा और जैसे ही मैंने सब्सिट्यूट की तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा भाई, एक्स फाइंड आउट कर लूंगा वहां से या फिर वाई एक्स। देखो सो नाइन एक्स एज इट इज माइनस साइन माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन, सो नाइन एक्स एज इट इज माइनस थ्री इंटू वाई, वाई की जगह क्या पुट करोगे ये थ्री एक्स माइनस थ्री, थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन। अब देखो सो नाइन एक्स एज इट इज माइनस, ऐसे रहने दो, थ्री से पहले मल्टीप्लाई कर दो, थ्री से ओनली थ्री से पूरे ब्रैकेट को, सो थ्री थ्री जा नाइन, एक्स है एक्स आएगा, माइनस साइन है माइनस कर दो। अब दोबारा इसको कितने से मल्टीप्लाई करना, थ्री से सेकंड टर्म, सो थ्री थ्री जार नाइन इज इक्वल टू कितना आ गया नाइन आ गया। मैंने ब्रैकेट लगाया, अभी ब्रैकेट मैंने हटाया नहीं क्योंकि ब्रैकेट के बाद साइन कैसे आ रहे, माइनस साइन है और जैसे ही मैंने ब्रैकेट हटाया साइन चेंज हो जाने, तो क्या होगा देखो नाइन एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन नाइन। तो क्यों ओपन हो रहा है, तुम तो बड़ी मासूम हो, वादा करके भूल जाते हो, ये क्या, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, देखा लिया देखते हैं, फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी, सो नाइन एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू नाइन आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेल हो जानी है यहाँ पे, सो नाइन एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन, नाइन एक्स से नाइन एक्स कैंसिल, नाइन से नाइन कैंसिल, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये वैल्यूज फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं हो रहा, ऐसा कैसे, देखो दोबारा चेक करता है। तो मैंने इक्वेशन वन से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई की, वाई की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की वहां से, तो माइनस वाई इक्वल टू थ्री माइनस थ्री एक्स आया, तो मैंने वाई इक्वल क्या रखा थ्री एक्स माइनस थ्री एज इट इज, ओके तो थ्री एक्स माइनस थ्री मैंने किस में पुट किया, इक्वेशन टू में, किसकी वैल्यू वाई की, सो नाइन एक्स एज इट इज थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन, सो नाइन एक्स माइनस थ्री वाई इंटू थ्री एक्स माइनस थ्री, थ्री थ्री जा नाइन एक्स माइनस का ये प्लस का नाइन, तो भाई ये सोल्व ही नहीं होनी इक्वेशन, मतलब क्या एक्स और वाई की वैल्यू इससे फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं, इससे फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं, गॉट इट, इतना सा फालतू सा क्वेश्चन था क्योंकि एक्स इसमें कट हो रहा ना भाई पूरा, अगर एक्स कट नहीं होता तो अपन फाइंड आउट कर सकते थे। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट टू एक्स, क्वेश्चन नंबर फोर फर्स्ट वन में, पॉइंट टू एक्स प्लस पॉइंट थ्री वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर एक्स प्लस पॉइंट फाइव वाई इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, जस्ट रिमेंबर कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं इसको इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू, ओके देखो मैं इसमें एक फंडा कर सकता हूं, बहुत अच्छा सा मुझे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्या कर सकता हूं देखो, इसमें पॉइंट फोर एक्स है, इसमें पॉइंट टू एक्स है, अगर मैंने इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई किया, टू से मल्टीप्लाई किया, सो पॉइंट टू एक्स इंटू टू पॉइंट फोर एक्स, अरे पॉइंट फोर एक्स ऐसे रखा का रखा मिल रहा भाई, क्यों फाइंड आउट करना, फिर इसमें पुट कर दो अपना क्वेश्चन सॉल्व। देखो नाउ किसे, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय टू, फर्स्ट थिंग ये करो मेरे हिसाब से, देखो वो अच्छा रहेगा, सो मैंने इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई किया टू से, तो कितना आ जाए टू इंटू पॉइंट टू एक्स प्लस पॉइंट थ्री वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री, मतलब ये टू है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो इसको पहले इससे फिर इससे और फिर इससे ऐसे मल्टीप्लाई करना, क्या क्या मैंने टू इंटू पॉइंट टू एक्स कितना आया भाई पॉइंट फोर एक्स आया, प्लस साइन है वहां पे प्लस एज इट इज, पॉइंट थ्री इंटू टू पॉइंट सिक्स वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री इंटू टू टू पॉइंट सिक्स, ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन थर्ड। अभी इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन टू से लेने देना होगा क्योंकि इक्वेशन वन को अपन ने चेंज कर लिया थोड़ा बहुत। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री
क्या फाइंड आउट करूंगा, 0.4x, 0.4x ऐसा कैसा रखा है कि नहीं रखा, अरे इसमें मिला हुआ ना, सेम पुट कर दो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने 0.4x फाइंड आउट किया वहां से, इज इक्वल टू 2.6 एज इट इज, ये प्लस 0.6y, इस साइड आया तो माइनस 0.6y। अब देखो इसको इक्वेशन में पुट करूंगा कितना, फोर्थ पर, नेमिंग दे दी मैंने फोर्थ इक्वेशन। अब मुझे लेना देना किससे, और ये मैंने किससे फाइंड आउट किया, फर्स्ट, फर्स्ट से कुछ लेना देना नहीं है। थर्ड, टू थ्री फोर, तीन इक्वेशन है, पहले उसमें कितनी होती थी, वन टू थ्री, अब इसमें टू थ्री फोर। इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ 0.4x, एज इट इज पुट कर दो। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ 0.4x इन इक्वेशन किसमें रे, टू में। तो जैसे मैंने इक्वेशन टू में ये वैल्यू पुट की, तो देखो इधर 0.4x इसके क्या पुट करोगे, 2.6 माइनस 0.6y, किसकी जगह पुट किया मैंने, ओनली 0.4x के, प्लस साइन है, प्लस एज इट इज, कितना है यहां पे 0.5y इज इक्वल टू कितना है यहां पे 2.3 एज इट इज। अब देखो 2.6 है प्लस का, उस साइड में गया तो माइनस, और यहां पे कितना बचा 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, दिस साइड प्लस दैट साइड माइनस। अरे देखो ये भी y की टर्म है, ये भी y की टर्म है, सेम साइन है कि डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर डिफरेंट साइन होंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सो व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ 0.6 एंड 0.5, 0.1, कितना 0.1। अब साइन कैसा आना, 0.1y माइनस का आना, क्योंकि ग्रेटर नंबर कौन सा 0.6 है, इज इक्वल टू कितना आना, अब ये देखो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 2.3 माइनस 2.6 0.3, प्लस या माइनस, माइनस, ग्रेटर नंबर कितना 0.2 2.6। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, सो 0.1 y इज इक्वल कितना आना, 0.3 अपॉन, मल्टीप्लाई में 0.1 y है, इस साइड में है तो डिवाइड में, अरे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या बचा अपने पास, y इज इक्वल टू 3/1। 1 का कुछ लेना देना होता है, अरे नहीं होता, डिनोमिनेटर में होता है, तो y इक्वल टू 3 आ गया। अब मैं किस में पुट करूंगा x के लिए, 4 में पुट कर दो ना, 2, 3, 4 किसी में भी पुट करो, वैल्यू ऑफ x आ जानी है, सबसे इजी कौन सी लग रही है, फोर्थ वन करो पुट, देखते हैं, तो 0.4x 2.6 0.6 0.4x 2.6 देखना भाई, 0.4x में याद रख रहा हूं, 0.4x इज इक्वल टू 2.6 माइनस 0.6y, सही है। अरे यार तू कसाला क्यों बन रहा रे, अरे किधर को गया भाई, देखो इधर देखो 0.4x 0.4x इज इक्वल टू 2.6 0.6y इक्वल टू 2.6 0.6y, और y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3 आ गई। नाउ सो 0.4x एज इट इज 2.6 माइनस 0.6, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, यही थी ना, y की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, सो 0.4x इज इक्वल 2.6 माइनस 6, 3 जार 18, पॉइंट कितने डिजिट पहले, 1 डिजिट, तो मैंने 1.8 आ गया। 0.4x इज इक्वल 2.6 माइनस 1.8, 2.6 माइनस 1.8 कितना होगा भाई, चेक करो जरा कितना होगा रे, 8.8। x इज इक्वल कितना आना है, 0.8 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट चल बसा, अरे बचा क्या रे, 4, 2 जार 8, 8 बचा भाई, hence value of x is equal to 2 and value of y is equal to 3 by substitution method,
सो एक्स इज इक्वल टू आ गया और वाई इज इक्वल टू अपने पास 3 आ गया। देखते हैं, तो भाई अपन के पास दो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन में अपन क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया इक्वेशन वन नेमिंग दे दी, मतलब इक्वेशन वन को इक्वेशन टू। फिर मुझे लग रहा था कि मैं अगर इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो मुझे डाइट पॉइंट 4x मिल रहा है, तो मैंने क्या किया इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय टू, तो मैंने इक्वेशन टू इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये इक्वेशन फॉर्म हुई। ये इक्वेशन आते मैंने किससे इक्वेशन से देखा, फ्रॉम इक्वेशन 3 से ये इक्वेशन, तो मैंने पॉइंट 4x फाइंड आउट किया। पॉइंट 4x जैसे ही मेरे पास आया वो सब्स्टिट्यूट किया किसके अंदर, इक्वेशन वन के अंदर, सॉरी टू के अंदर। तो जैसे मैंने टू में पुट किया तो टू में मैंने क्या पुट किया, पॉइंट 4x की जगह पे 2.6 माइनस 0.6y, वहां पे प्लस था प्लस 0.5y एज इट इज इक्वल टू 2.3 इज इक्वल टू 2.3। अब मैंने इसको सब जब सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू ऑफ y आई, और जैसे ही वैल्यू ऑफ y आई फिर मैंने किसी इक्वेशन से देखा, इक्वेशन 4 से। तो जैसे मैंने इक्वेशन 4 किया तो यहां पे देखो इक्वेशन 4 से मेरे पास क्या वैल्यू y मैंने पुट की और वहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की, y भी आ गया x भी आ गया, तो अपने आंसर भी आ गए। इतना सा फंडा है, आया कि नहीं आया समझ में, अरे बोलो रे बोलो देश की भविष्य बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यह सबको आ रहा भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो तुम लोग खुद ही कर लोगे, अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे। फिर एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट में डालते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो मैं क्वेश्चन नंबर अलग से डाल दूंगा मैं इसको, ठीक है। तब तक के लिए भाई थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहो, जागते रहो, जगाते रहो, अपने परसेंटेज बढ़ाते रहो, बाय।